हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतीक गेमिंग में। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ टॉप 5 मार्वल स्पाइडरमैन गेम्स एंड्रॉइड हाई ग्राफिक्स। ये पांचों गेम के ग्राफिक्स आपको अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। किसी गेम में कोई दिक्कत प्रॉब्लम आती है आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा। इसमें से 4 गेम आपके लो एंड डिवाइस में अच्छी तरह से वर्क करेंगे, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और ये ऑनलाइन मल्टीप्लेयर के साथ ही साथ RPG टाइप भी होने वाले हैं। तो चले हम टॉपिक पे बढ़ते और देखते हैं कि कौन से टॉप 5 मार्वल स्पाइडरमैन गेम है। बात करते हैं नंबर 5 गेम की, मार्वल सुपर वॉर। साइज इसकी 2GB है। इस गेम के ग्राफिक्स आपको 3D में मिलते हैं और थोड़ा सा HD ग्राफिक्स का इसका कॉम्बिनेशन है। साथ ही साथ इसमें आपको RPG टाइप भी कॉम्बैक्ट आपको देखने के लिए मिलता है। हर स्पाइडरमैन की न्यू वर्जन आपको मिलते हैं, कॉस्मिक स्पाइडरमैन छोड़ के बाकी सभी स्पाइडरमैन के वर्जन आपको इस गेम में देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही साथ इसमें मल्टीप्लेयर मोड भी आप इस गेम में खेल सकते हो और स्टोरी मोड भी खेल सकते हो। ऑनलाइन होने के कारण मल्टीप्लेयर में फ्रेंड के साथ खेलने में आपको मजा आ जाएगा। और स्पाइडरमैन का पावरफुल वर्जन आप अनलॉक करोगे तो उसकी न्यू एबिलिटी के साथ ही साथ उसका न्यू कॉम्बैट सिस्टम भी आपको मिलता है, तो आप इस गेम को खेल सकते हैं। बात करते हैं नंबर 4 गेम की, मार्वल फ्यूचर फाइट। साइज इसकी 1.5GB है। यदि आपके डिवाइस में मार्वल फ्यूचर रिवॉल्यूशन नहीं चलता तो मार्वल फ्यूचर फाइट आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये लो एंड डिवाइस यूजर के लिए अच्छा वर्क करता है, 16fps पे वर्क करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसमें कॉस्मिक स्पाइडरमैन छोड़ के बाकी सभी के सभी स्पाइडरमैन के वर्जन आपको मिलते हैं। नोवे होम का स्पाइडरमैन मिलता है, माइल्स मोराइल्स का भी स्पाइडरमैन मिलता है, तो सारे स्पाइडरमैन आपको इस गेम में देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको इसलिए इस गेम को ट्राई आउट करना चाहिए। हर मूवी के साथ ही साथ जो स्पाइडरमैन की मूवी आती है उसका भी स्पाइडरमैन आपको इस गेम में देखने के लिए मिलता है। होमकमिंग का स्पाइडरमैन इसीलिए तो मैंने कहा, नोवे होम का स्पाइडरमैन होता है इसलिए तो मैंने कहा, जो मैजिक का स्पाइडरमैन होता है ना, जो डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसको सूट दिया था, वो वाला भी स्पाइडरमैन है। तो ये लो एंड डिवाइस यूजर के लिए अच्छा गेम है। मार्वल फ्यूचर रिवॉल्यूशन बहुत अल्ट्रा हाई ग्राफिक्स का गेम है, तो वो यदि वर्क नहीं करता, नॉट कंपेटेबल कहता है 1GB 2GB 3GB रैम में, तो आप इस गेम को खेल सकते हो। और हर पैकेज में एक न्यू स्पाइडरमैन मिलता है और उसकी न्यू एबिलिटी भी रहती है। और हर स्पाइडरमैन को अनलॉक करने से पहले उसका आप टेस्टिंग कर सकते हो कि उसकी पावर एबिलिटी क्या है, तो ये अच्छी बात है इस गेम की। इस गेम की ये खासियत है। और हर पैकेज में एक माइल्स मोराल्स का स्पाइडरमैन मिलता है, होमकमिंग्स का स्पाइडरमैन मिलता है, तो डिफरेंट डिफरेंट वर्जन के भी फ्री में आपको स्पाइडरमैन मिलते हैं। तो आप इस गेम को जरूर एक बार खेलिए, लो एंड डिवाइस यूजर के लिए कमाल का ये गेम है गाइस। बात करते हैं नंबर 3 गेम की, मार्वल स्ट्राइक फोर्स। साइज इसकी 119MB है। इस गेम के ग्राफिक्स अच्छे है और इस गेम का मारने का तरीका कॉम्बैट सिस्टम है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो यदि आपको गेम इस टाइप के पसंद आते हैं तो आप इस गेम को खेल सकते हो, तो ट्राई कीजिए इस गेम को भी। बात करते हैं नंबर 2 गेम की, मार्वल कंटेस्ट ऑफ चैंपियंस। साइज इसकी 1.4GB है। 2 vs फाइटिंग टाइप कोई गेम खेलना चाहते हो मार्वल का, तो आप इस गेम को खेल सकते हो। स्पाइडरमैन का स्टार इनहेंस सूट मिलता है, वो थेनोस से किस तरह से फाइट कर रहा है आप देख सकते हैं। उसकी पावर एबिलिटी आपको डिफरेंट टाइप आपको मिलती है। और कॉस्मिक स्पाइडरमैन छोड़ के आपको बाकी सभी स्पाइडरमैन के वर्जन आपको मिलते हैं, तो इसलिए आपको एक बार इस गेम को जरूर ट्राई आउट करना चाहिए। इस गेम में अलग डिफरेंट डिफरेंट स्पाइडरमैन के न्यू कॉम्बैट सिस्टम भी मिलते हैं और उसकी न्यू पावर एबिलिटी आपको मिलती है। और हर पैकेज में भी आपको डिफरेंट स्पाइडरमैन मिलते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं मिलते, लेकिन थोड़े बहुत तो मिलते हैं। आपको अनलॉक करके ही स्पाइडरमैन को खेलना पड़ेगा, तो इसकी न्यू एबिलिटी का न्यू एक पावरफुल अटैक भी रहता है हर न्यू डिफरेंट स्पाइडरमैन का, तो इसलिए आपको एक बार गेम को जरूर खेलना चाहिए। मुझे तो गेम बहुत अच्छा लगा है। बाकी आपको क्या लगता है इस गेम के बारे में आप मुझे बता सकते हैं, तो ट्राई कीजिए इस गेम को। बात करते हैं नंबर 1 गेम की, मार्वल फ्यूचर रिवॉल्यूशन। साइज इसकी 3GB है। इस गेम के तगड़े कंसोल लेवल के ग्राफिक्स मिलते हैं, हाँ, लेकिन इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट स्पाइडरमैन के सूट मिलते हैं लेकिन वर्जन नहीं मिलता। ये थोड़ी सी इस गेम का वीक पॉइंट है। बाकी गेम अच्छा है, ओपन वर्ल्ड है। मार्वल स्पाइडरमैन रिमास्टर यदि आप एंड्रॉइड डिवाइस में नहीं खेल सकते फैन मेड छोड़ के, तो आप इस गेम को खेल सकते हो। ये गेम आपको उसका ही फील देगा, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्पाइडरमैन के सूट आप अनलॉक करके खेल सकते हो। मल्टीप्लेयर के साथ ही साथ स्टोरी मोड भी खेल सकते हो। ग्राफिक्स तो आपको कंसोल लेवल के मिलते हैं, डिटेलिंग काफी आपको अच्छी देखने के लिए मिलती है। और डिफरेंट डिफरेंट सुपर हीरो भी है, वो भी आप ट्राई आउट कर सकते हैं, तो आप इस गेम को जरूर ट्राई कीजिए। ठीक है, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।